शख्स टमटमाता हुआ मोहल्ला कोर्ट अयोध्या रामचंद्र के थाने में पहुंचता है। वह थाने में मौजूद सिपाहियों से कहता है कि थानेदार से मिलना है। सिपाही उसे थानेदार के पास लेकर जाते हैं। उन्हें वो बताता है कि एक निहंग सिख जो कि अपने 25 साथियों के साथ पंजाब से आया है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विवादित स्थान पर आकर बैठ गया है। उसे साथ मिला है अयोध्या के ही बैरागियों का जिन्होंने वहां पर स्थायी चबूतरे का निर्माण कर कोयलों से चारों तरफ राम राम लिख दिया है और उन्होंने वहां पर रामधुन करना भी प्रारंभ कर दिया है। उस निहंग सिख को हटाने के लिए इस व्यक्ति ने वहां पर FIR दर्ज कराई। अयोध्या के संबंध में यह पहली FIR थी जो लिखित प्रमाण के रूप में मौजूद है। केस था केस नंबर 884 मोहल्ला कोर्ट रामचंद्र अयोध्या। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने को जा रहा है। लगभग 300 से अधिक पिलरों से बना यह मंदिर वहां की भव्यता को दर्शाएगा। आज अयोध्या के इतिहास के बारे में बात करेंगे। आज बात करेंगे कि कैसे अयोध्या मंदिर के निर्माण में सिख बंधुओं ने अपने योगदान को दिया और मंदिर निर्माण के लिए अपनी ओर से एक ईंट जोड़ी। नमस्ते, स्वागत है आपका विश्व संवाद केंद्र की विशेष सीरीज में, जहां मैं आपको सुनाऊंगा श्री राम मंदिर के इतिहास से जुड़ी कहानियां। शुरुआत में मैंने जो आपको किस्सा सुनाया वो सिखों के शौर्य को समर्पित है जिन्होंने हम सबके आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में ईंट जोड़ने का कार्य किया। यह पहली बार नहीं था जब धर्म के प्रति सिखों ने इस प्रकार का कार्य किया हो। इससे पहले भी धर्म रक्षा के लिए सिख धर्म ने अपना बलिदान दिया है। बात बीते माह ही आए चार साहिबजादों के बलिदान दिवस की हो, उससे सीख लेकर भी हम समझ सकते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए सिख धर्म ने बलिदान दिए हैं। जब मुगल सैनिकों ने चार साहिबजादों के लिए जिंदा रहने के लिए मुस्लिम धर्म कबूल करने की बात की, तब उन्होंने इसका प्रतिकार किया और हंसते हंसते बलिदान हो गए। हिंदू और सिख धर्म एक दूसरे की पूरकता के परिचायक हैं। अयोध्या के संदर्भ में एक और घटना है जो यहाँ के संघर्षों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज की जानी चाहिए, वह भी मैं आपको सुनाता हूँ। जब मुगलों की शाही सेना के अयोध्या पर हुए हमले की जानकारी चिंताधारी साधु वैष्णवदास जी को लगी तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को एक चिट्ठी लिखी ताकि वो इस आक्रमण से बचाव करने के लिए आ सके। गुरु गोविंद सिंह जी जो 6 वर्ष की उम्र में अयोध्या अपने परिवार के साथ राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए आए थे, बाबा वैष्णवदास की चिट्ठी मिलते ही गुरु गोविंद सिंह जी तुरंत अपनी सेना को अयोध्या कूच करने का निर्देश देते हैं। वहां पर गुरु गोविंद जी की सेना और चिंताधारी साधुओं की सेना मिलकर युद्ध में मुगलों को बाहर खदेड़ देती है और अयोध्या की भूमि को मुगलिया सेना से मुक्ति दिलाती है। अयोध्या के संदर्भ में ऐसे कई किस्से दर्ज हैं। इन किस्सों को राष्ट्र मंदिर की इस विशेष सीरीज में हम आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे ताकि आप भी जान सकें कि अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर राष्ट्र मंदिर क्यों है। इस मंदिर की नींव हमारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने रखी, तो वहीं इस मंदिर के निर्माण में एक पत्थर के मोहम्मद जैसे मुसलमानों का भी है। अगली वीडियो में हम के मोहम्मद के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कौन थे के मोहम्मद जिन्होंने मंदिर निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तब तक के लिए आप विश्व संवाद केंद्र से जुड़े रहिए। मैं था सौरभ और इस वीडियो को बनाने के लिए एक विशेष रिसर्च हमारे साथी मधुर शर्मा जी द्वारा की गई थी। धन्यवाद।